हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टैली होम में, जिसमें कि हम टैली की नॉलेजेबल वीडियो और अकाउंट्स रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में सीखेंगे कि जो मोदी जी ने जो टैक्सेशन लागू किया था GST, उसके साथ टैली RP9 में कैसे डील करते हैं। वैसे तो आपको पता है कि यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियो हैं इस रिलेटेड, GST से रिलेटेड, बट हमारी जो ये वीडियो है इसके अंदर हमें सारी चीज़ें सीखेंगे एक ही वीडियो के अंदर, कि कैसे परचेज के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैसे सेल के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैसे कंपनी क्रिएट की जाती है, कैसे GST को एप्लीकेबल किया जाता है, कैसे मल्टीपल टैक्स के साथ डील किया जाता है। सो दैट ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो ऑलरेडी अकाउंटेंट है उनके लिए भी हेल्पफुल है, जो अपने बेसिक सीख चुके हैं मेरी वीडियो के द्वारा या जो सीख रहे हैं किसी और वीडियो के द्वारा, वो भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, नोटिफिकेशन के बेल पे आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी ये सब एक्टिविटीज़ से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं कि आज के हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीखेंगे। सो सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो है हाउ टू एनेबल GST डिटेल इन टैली RP9। टैली RP9 के अंदर GST डिटेल्स को कैसे एनेबल किया जाता है। सेकेंड नंबर पे जो हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट आइटम ग्रुप्स इन टैली RP9, आइटम और ग्रुप्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उसके अंदर GST टैक्स को कैसे एप्लीकेबल किया जाता है। थर्ड नंबर पे हम सीखेंगे हाउ टू एंटर GST परचेज इन टैली RP9, GST परचेज को टैली RP9 के अंदर कैसे फीड किया जाता है, कैसे एंटर किया जाता है। नेक्स्ट हम सीखेंगे हाउ टू एंटर मल्टीपल टैक्स इनवॉइस इन टैली RP9। अगर यहाँ पे एक इनवॉइस के अंदर दो या तीन टैक्स स्लैब होते हैं 12%, 18%, 28%, देन उस इनवॉइस को एक इनवॉइस के अंदर कैसे फीड किया जाता है, ये भी हम आज की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे हाउ टू एंटर GST एक्सपेंस इनवॉइस इन टैली RP9 एंड हाउ टू क्लेम GST ऑन दीज एक्सपेंसेस। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम सीखेंगे उसमें सीखेंगे कि एक्सपेंस को कैसे फीड किया जाता है, बिकॉज जो GST जो गवर्नमेंट ने हमारे देश के अंदर लगाया है उसका मेन मोटिव यही है कि हमारे देश के अंदर दो ही चीज़ों में डील, हमारे देश क्या सभी के अंदर दो चीज़ों में डील किया जाता है, या तो गुड्स के अंदर या सर्विस के अंदर, उसी बिहाफ पे टैक्सेशन इंट्रोड्यूस हुआ है GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिकॉज या तो बिजनेसमैन गुड्स को सप्लाई करता है या गुड्स को इन्वर्ट करता है आउटवर्ड, या सर्विस को इन्वर्ट करता है आउटवर्ड, तो दो ही चीज़ें, उन्हें दो को लेके गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है GST, और इसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्सपेंस के ऊपर भी GST को क्लेम कर सकते हैं। सो दैट आज के हम इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि टैक्स को कैसे क्लेम किया जाता है एक्सपेंस के ऊपर। फिक्स्ड असेट्स के ऊपर कैसे GST को क्लेम किया जाता है ये भी हम सीखेंगे। इंटरेस्ट रेट, सेल परचेज के बारे में भी सीखेंगे। एंड लास्ट टॉपिक हम सीखेंगे कि टैक्स इनवॉइस कैसे इशू किया जाता है टैली RP9 में GST के साथ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है और आपको YouTube पे अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू परचेज, हाउ टू फीड परचेज ट्रांजेक्शन इन टैली RP9, हाउ टू इशू टैक्स इनवॉइस विद टैली RP9, हाउ टू डील विद मल्टीपल टैक्स इनवॉइसेज। सो दैट आपके लिए एक ही वीडियो बहुत सफिशियंट होगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो भी अपना बनाया था, एक ही वीडियो में टैली के सारे बेसिक सीखे। उसके अंदर हमने जो विदाउट इन्वेंट्री जो टैली को स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी सीख रहे हैं वो उसको सीख सकते थे, आज का वीडियो भी वो सीख सकते हैं, उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं। अगेन रिक्वेस्ट यही है कि भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, हमें भी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, इसमें हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे, Alt F3 एंड क्रिएट कंपनी, जिसका हमने नाम रखा है GST विद टैली। एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मैं इंडिया का नागरिक हूँ, मुझे प्राउड है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। उत्तर प्रदेश का हूँ, ये भी मुझे प्राउड है, और आगरे का हूँ, ये तो और ज़्यादा प्राउड है। सो फाइनेंशियल ईयर हमने 1/4/2018 रख लिया यहाँ पे, एंड हमने एक कंपनी क्रिएट कर दी। तो हमारी एक वीडियो कंप्लीट, हाउ टू क्रिएट कंपनी। ओके, अब हमने इस कंपनी के अंदर GST को लागू करना है, एप्लीकेबल करना है। तो हम सबसे पहले F11 की प्रेस करेंगे, स्टैट्यूट एंड टैक्सेशन में जाएंगे, और हमारी जो कंपनी है GST विद टैली, इसको सेलेक्ट करेंगे, यस कर देंगे डिटेल्स को, एंड यस कर देंगे। दोस्तों, आने वाली वीडियो में एक मैं ऐसा वीडियो ला रहा हूँ जिसमें आपको शॉर्टकट की याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप शॉर्टकट की बनाना भी सीख जाओगे, तो चैनल को देखते रहें। ये हमने GST नंबर यहाँ पे फिल कर दिया, एप्लीकेबल 1/4/2018, बिकॉज हमने फाइनेंशियल ईयर 18 हमने सेलेक्ट किया है। पीरियडिक्टी ऑफ GST-1, GST-1 कैसे भैया फाइल करना है, मंथली, जिनका 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो तो मंथली फाइल करते हैं, जिनका 1.5 करोड़ से नीचे होता है वो क्वार्टरली फाइल करते हैं। एंड और ये चीज़ें हैं, ईवे बिल को लागू करना है कि नहीं करना, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000, ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी हमने
बाय डिफॉल्ट जैसा है उसी को कर दिया है और यस कर दिया, और ये हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है टैली के अंदर। अब जो मैंने क्वेश्चन बनाया है वो है जी ये, इसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन है परचेज के, सेल के, पेमेंट के, रिसीव के और एक्सपेंस एंड फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन है जिसको आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम बजाज इलेक्ट्रॉनिक, हम यूपी के हैं, बजाज इलेक्ट्रॉनिक हरिद्वार का है, तो ये हमारी कौन सी परचेज हो गई, इंटरस्टेट परचेज। इंटरस्टेट परचेज उस स्टेट को, उस परचेज को बोलते हैं जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में खरीदी या बेची जाती है, इंटरस्टेट उसको बोलते हैं जो विदिन अ स्टेट होता है, ठीक है भैया। और इंटरस्टेट के लिए हम IGST लगाते हैं, इंटरस्टेट के लिए हम CGST और SGST का डील करते हैं, टैक्स स्लैब सेम ही होता है। अगर इंटरेस्टेड होता है तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, दैट मीन्स कि 18% है तो 9-9 हो जाएगा, और अगर इंटरेस्टेड है तो एक ही टैक्स स्लैब चलेगा, ठीक है। अब हमने अपनी टैली के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में आना है एंड F9 जो परचेज की शॉर्टकट की है इसको प्रेस करना है, और डेट हमने डाल दी यहाँ पे 5/4/2018। सप्लाई इनवॉइस नंबर है 0054। जैसा कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट करता हूँ लेजर को, जरूरी नहीं है कि मास्टर में, वैसे मास्टर में जाके क्रिएट कर सकते हैं, पर क्योंकि भैया अब हम कुछ सीख चुके हैं तो इसलिए हम यहीं से क्रिएट कर देंगे। शॉर्टकट की ऑल्ट सी फॉर क्रिएशन, पार्टी नेम क्रिएट करना है बजाज इलेक्ट्रॉनिक सन्ड्री क्रेडिटर। यस, बिलवाइज डिटेल है ये वीडियो, बहुत ही अच्छा था एक बिलवाइज डिटेल वाला, वो भी आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं जिसमें ये मेंटेन बिल बाय बिल वाला जो ऑप्शन है इसके बारे में मैंने कुछ सिखाया है। कहाँ का है जी ये, इंडिया का तो है ही है पर ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तराखंड का है। यहाँ पे हमने डिटेल सेव नहीं की थी तो इसलिए वहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, मैंने इसको सेव कर दिया है। और यहाँ पे देखिए GST की डिटेल आ गई, और इसका जो GST नंबर है वो है 05 है, GST नंबर फेक है। फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि GST नंबर फेक है, एक्चुअल GST नंबर नहीं है पर इनका फॉर्मेट एक्चुअल है। पार्टी का GST नंबर क्रिएट हो गया, बजाज इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब हमने परचेज का लेज़र बनाना है, ऑल्ट सी शॉर्टकट की होती है अगर हम वाउचर के दौरान कोई भी लेज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो। परचेज अकाउंट यहाँ पे भी हमने GST को एप्लीकेबल करके बस छोड़ देना है, यहाँ पे हमने कोई टैक्स स्लैब नहीं डालना है। अगर मैं यहाँ पे टैक्स डाल दूंगा, सपोज करो कि अगर मैं इसके अंदर इसको इनेबल करके यस करके इसके अंदर मैं टैक्स स्लैब डाल दूंगा, तो अगर मैं इस परचेज के लेजर को हमेशा सेलेक्ट करूंगा तो चाहे मेरे आइटम में कुछ भी टैक्स स्लैब हो ये यही टैक्स स्लैब को पिक करेगा। सो दैट यहाँ पे हमने GST एप्लीकेबल कर देना है, बिकॉज कई बार मल्टीपल टैक्स स्लैब होते हैं एक इनवॉइस के अंदर, 12%, 14%, 18% जो भी टैक्स स्लैब होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे इनेबल नहीं करना है। तो कृपया ये ध्यान दें यहाँ पे इनेबल नहीं करना है, और इसको हमने सेव कर दिया परचेज को। ये पूछ रहा है कौन सी परचेज है, तो इंटरेस्ट है परचेज टैक्सेबल है। अब हमारे पास आइटम है तो भैया हम यहाँ पे ये भी सीख जाएंगे कि आइटम कैसे क्रिएट किया था टैली के अंदर। अगेन हमने यहाँ पे ऑल्ट सी बनाना है, शॉर्टकट की होती है, और आइटम हमारा LG 185 रेफ, अंडर ग्रुप क्या है LG है। यूनिट्स के लिए ऑल्ट सी, सब में ऑल्ट सी प्रेस करना है भैया आइटम को क्रिएट करने के लिए। पीसेस में आता है हमारा, अब यहाँ पे हमने टैक्स स्लैब को डालना है, तो टैक्स स्लैब हमारा क्या है 12% है। यहाँ पे HSN कोड आता है, अभी मेरे पे HSN कोड नहीं है उसका, सो यहाँ पे HSN कोड फिल किया था, टैक्सेबल हमने यहाँ पे इनेबल कर दिया, और टैक्स का स्लैब है 12%, ये हमने यहाँ पे फिल कर दिया। गुड्स की सप्लाई है ओके, क्वान्टिटी 5, 10,000, अपने 50,000 हो गया यहाँ पे। सेकेंड हमारा LG 195 रेफ, LG के अंदर जो आइटम हमने ग्रुप क्रिएट किया था पीसीस के अंदर, और इसका जो हमारा टैक्स है ये 12% है। सो यहाँ पे आके हमने ये हम आइटम के अंदर टैक्सेस को डाल लें, जिससे कि क्या होता है अगर कल को कोई बहुत सारे टैक्स स्लैब होते हैं तो हम उसको एक साथ फीड कर सकते हैं मल्टीपल टैक्स स्लैब को। ये डाल दिया हमने यहाँ पे, और ये है 5 पीस, 10,500,
एंड अब हमारा नेक्स्ट आइटम है एल जी 20 इंच एलईडी। अगेन अब एल जी क्या है, एल जी एलईडी तो हम यहाँ एक ग्रुप और कर देंगे क्रिएट, ये और फिल्ट्रेशन के लिए हो जाता है यहाँ पे, और अच्छा लगता है दो दो ग्रुप होते हैं तो, क्योंकि एल जी की एलईडी है तो पीसेस में आती है ये भी। थोड़ा सा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, क्यों हो रहा है आई डोंट नो। यस करा, इसका टैक्स स्लैब है 18%। तो यहाँ पे वाली इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई कि मल्टीपल टैक्स स्लैब को कैसे डील किया जाता है। ठीक है जी, क्वांटिटी 5, वैल्यू 8500। और आज की वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि भैया स्टॉक वगैरह को कैसे मेंटेन किया जाता है। 185 रैफ, ये क्या है, सैमसंग रैफ क्रिएट कर दिया। ध्यान रहे यहाँ पे हमें टैक्स स्लैब नहीं डालना है, हम टैक्स स्लैब यहाँ पे डाल लें, वहाँ भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है अगेन आप लोगों के ऊपर ही कि आप किस तरीके से स्टॉक को फीड कर रहे हैं। यस करा यहाँ पे, और टैक्स का स्लैब है 12%, सो दैट यहाँ पे 12% एंटर कर देना है। दो हैं, 10,000 रुपये का पर पीस है, 20 हो गया, और अभी है रैफ SH195 रैफ, सैमसंग रैफ हमने क्रिएट कर दिया था, पीसेज हो गया। यस करा इसको, और 12%। अगर हम ग्रुप के अंदर डाल देते हैं स्लैब को, तो अगर रैफ के अंदर अगर हमारे आइटम दो स्लैब के अंदर आते हैं, कई बार क्या होता है कि एक क्राइटेरिया फिक्स होता है जिसमें कि सपोज करो 200 से ऊपर के रैफ के ऊपर टैक्स स्लैब कुछ और है, 200 से नीचे वाले रैफ के ऊपर टैक्स स्लैब कुछ और है, तो उस केस में अगर हम ग्रुपिंग में अगर ग्रुप के अंदर अगर टैक्स स्लैब को इनेबल कर देंगे तो वहाँ पे हमें दिक्कत होगी। तो हमेशा मोस्टली ज़्यादातर केस के अंदर हमें आइटम के अंदर ही टैक्स स्लैब को डालना चाहिए। यहाँ पे मैं टैक्स स्लैब डाल दूंगा 12%, 2 क्वांटिटी है 10,500। नेक्स्ट है एल ई डी SH22 इंच एल ई डी, सैमसंग एल ई डी है, तो एक नया ग्रुप क्रिएट करूँगा सैमसंग एल ई डी, सेव कर देना इसको। पीसेज यस, और 8200 स्लैब है इसका, 18% क्वांटिटी 2 है, वैल्यू 8250। तो भैया ये हमने फीड कर दिया, अब हमें टैक्स स्लैब टैक्स को बनाना है। तो ये IGST है हमारे बाहर से हमने मंगवाया, तो यहाँ पे जो हम लेजर क्रिएट करेंगे वो IGST करेंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ले जाएंगे इसको। GST है, इंटीग्रेटेड टैक्स है, क्योंकि हमारे सिटी से हमारे स्टेट से बाहर हम हमारे यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं इनेबल करना है, सिंपली इसको सेव कर देना जो भी बाय डिफॉल्ट फंक्शन आ रहा है। ठीक है, IGST उसने अपने आप ले लिया 27,840, टोटल वैल्यू हो गई। अगर हमें देखना भी है टैक्स स्लैब को, तो हम ऑल्ट ए होता है यहाँ पे, ये नहीं शॉर्टकट की, ऑल्ट ए फॉर टैक्स एनालिसिस, ऑल्ट ए करेंगे एंड ऑल्ट F1 फॉर डिटेल्ड करेंगे, तो हमारे पास देखो सारी डिटेल खुल गई कि किस किस आइटम के ऊपर कितना कितना टैक्स लगा है। दोस्तों वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो यहाँ पे ये टैक्स के जो जो आइटम है उसके आगे लिखा रहा है 12%, 12%, 18%, 12%, 18%, सो दैट यहाँ पे मल्टीपल टैक्स रेट है, वो बहुत ही सिंपल तरीके से फीड हो गया। वाओ, बहुत सिंपल था। ओके, ईवे बिल के अंदर ईवे बिल की डिटेल डाल देते हैं तो फिल कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कोई ईवे बिल बनाया नहीं है, तो मैं अभी इसको ऐसे ही कर रहा हूँ, ईवे बिल के ऊपर एक दूसरी वीडियो बाद में बनाएंगे। नरेशन के अंदर हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, बिल नंबर यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, डेटेड। तो दोस्तों ये हमारा परचेज का बिल फीड हो गया मल्टीपल टैक्स इनवॉइसेस के साथ, हाउ टू क्रिएट आइटम, हाउ टू क्रिएट ग्रुप, इन सब अलग अलग वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो काफ़ी है, ऐसी ही वीडियो हम बनाते हैं। ओके, ये सेव हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। चलो जी नीचे, एंड ये आ गया, ये हमारा सेल है सचल इलेक्ट्रॉनिक आगरे का, ये भैया इसको सेल कर रहे हैं। अब सेल में जाएंगे फंक्शन F8 की, बिकॉज मैं लैपटॉप है इसलिए मैं फंक्शन बोल गया, F8 की प्रेस करेंगे। डेट है 15/4/2018,
इनवॉइस नंबर है मेरा, एक पार्टी का नाम है सजल इलेक्ट्रॉनिक, ऑल्ट सी सजल इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड भैया पैसे देगा इसलिए संडी डेटर्स है। यहाँ पे क्रेडिट पीरियड सेट कर सकते हैं हम, वीडियो जरूर देखना बहुत अच्छी है, बिल वाइज डिटेल करके वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। आगरे का ही है, यहाँ पे एड्रेस आता है आगरा डाल दे रहे हैं हम। इसका GST नंबर यहाँ फिल करेंगे 09ALG PF 8574 G1JN। ओके ओके जी, सेल का लेदर बनाएंगे, सेल अकाउंट, सेल के अंदर फिल कर दिया। कोई यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली गुड सेलेक्ट करना है क्योंकि हम गुड्स में डील कर रहे हैं। यहाँ पे कोई टैक्स स्लैब को एनेबल नहीं करना है, इंटरेस्ट पर हमारी सेल टैक्सेबल है, हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या क्या बेच रहे हैं, सेम वही आइटम है 185 रेफ, देखा आइटम हमने बनाया था यहाँ पे आगे अपने आप। तीन पीस बेच रहे हैं 10,500 के हिसाब से, अपने आप टोटल करेगा 195 LG रेफ, तीन पीस बेच रहे हैं 17,000 रुपये के हिसाब से, सॉरी ऊपर वाला 15,000 है। देन 22 इंची की LED LG की है, तीन पीस 12,000, सॉरी ओके, सैमसंग रैप 185 एक पीस 15,000, सैमसंग रैफ 195 एक पीस 16,500, सैमसंग LED 22 इंची। जो भी हमने आइटम बनाया था उसका पहला वर्ड लिखना होता है और टैली अपने आप सेलेक्ट कर लेती है 11,200। ठीक है, अब क्या है भाई, ये इंटरेस्टेड है सेल, तो अभी यहाँ पे हमें दो लेदर बनाने पड़ेंगे, CGST और HGST। जब हम लोकल सेल करते हैं तो हमें दो लेदर बनाने पड़ते हैं, CGST और HGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब इंटर स्टेट करते हैं अपने राज्य से बाहर भेजते हैं तो हमें एक ही लेदर बनाना होता है IGST। अब हम यहाँ पे लेदर बनाएंगे CGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST ये सेंटर टैक्स है, CGST को बोलते हैं सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कुछ भी इनेबल नहीं करना है, बिल्कुल भूल जाओ, अपने आप टैक्स लेगा, गुड बॉय। SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स, कुछ भी यहाँ पे इनेबल नहीं करना है, सारा कुछ अपने आप लेगा। ऑल्ट ए प्रेस कर सकते हैं, अगेन वही क्वेश्चन सॉल्व हो गई कि भैया मल्टीपल टैक्स अगर रेट हो तो एक इनवॉइस के अंदर हम इसको कैसे इनेबल करें। बहुत ही अच्छा वीडियो है, अलग अलग वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में सारे स्लैब आ गए 12%, 18%। ओके, ये हमारा वीडियो ये हो गया, यहाँ पे ई वे बिल हम फिल कर सकते हैं, तो ये हमें टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करना होता है, ये हो गया अब हमारा। ठीक है, अगर मैं इसका प्रिंट देखना चाहूँ तो देखिए ऑल्ट पी एंड ऑल्ट जेड डिस्क्रिप्शन ऑफ, मैंने कुछ यहाँ पे ऑप्शन अभी इनेबल नहीं करे हैं, मैं आपको इनेबल करके दिखा देता हूँ। यस, ये देखिए कितना सुंदर इनवॉइस बना है, पार्टी का नाम आ गया, अपना GST नंबर, सारी डिटेल फिल हो गई, क्वांटिटी प्राइसिंग CGST वगैरह सब आ गया, नीचे टैक्स के स्लैब खुल गए। सो दैट बहुत ही अच्छा वीडियो है, सेल इनवॉइस टैक्स इनवॉइस कैसे इशू किया था विद मल्टीपल टैक्स रेट तो वो भी हमने सीख लिया, परचेज कैसे फिट किया था मल्टीपल टैक्स रेट वो भी हमने सीख ली। नेक्स्ट जो अब हम देखेंगे ट्रांजेक्शन वो क्या है हमारा, कि एक्सपेंस के ऊपर अब हमें GST को कैसे क्लेम करना है। सो भैया ये हमने राज फर्नीचर से माल खरीदा है कुछ फर्नीचर, अब इसको कैसे इनेबल करना है, तो क्योंकि हमें ITC क्लेम करना होता है एक्सपेंस और असेट्स के ऊपर, तो हम इसको भी परचेज की तरह डील करेंगे। यहाँ पे हम पार्टी का इनवॉइस नंबर क्या है, 54 इनवॉइस नंबर है, डेटेड 5/4/2018, नेम है राज फर्नीचर, क्रिएट करेंगे राज फर्नीचर, सन्ड्री कैटर बिकॉज माल बेचा है तो लेनदार है, आगरे का ही है, इसका GST नंबर यहाँ फिल कर देंगे 09CYMPS 9401F2Z2। ये जो पॉपअप आता है ये बताता है कि GST नंबर गलत है, पर कोई इशू नहीं।
अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे फिक्स्ड सेट्स परचेज कर रहा है, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, वेटिंग चेयर, इसके ऊपर हमने टैक्स को क्लेम करना है, ITC को हमने क्लेम करना है। तो वैसे हम जब नॉर्मली इनवॉइस को फीड करते हैं परचेज को, तो हम ऑल्ट आई की प्रेस करते हैं, जहाँ पे हम परचेज और सेल का लेजर सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस। परचेज और सेल को सिलेक्ट करने का मतलब है कि हम उस कॉमोडिटी के अंदर डील करेंगे, मतलब जो हम माल खरीद रहे हैं उसको हम बेचेंगे, या जो बेच रहे हैं वो हम जो भी है जो हम खरीद रहे हैं उसको बेचेंगे। पर यहाँ पे हम ऑफिस टेबल या फर्नीचर किस लिए खरीद रहे हैं, हम अपने अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं, तो हमें यहाँ पे परचेज का लेजर सेलेक्ट नहीं करना है। अगेन परचेज का लेजर वहीं सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हम उस चीज़ को सेल आउट करना हो। तो हम यहाँ पे ऑल टाइप की प्रेस करके इसको अकाउंटिंग इनवॉइस बनाएंगे। अब हम आइटम क्रिएट करेंगे फर्नीचर, ठीक है, अंडर फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पे हम टैक्स स्लैब को इनेबल कर देंगे 18%। ये पूछ रहा है कि परचेस किस तरीके की है, इंटरेस्टेड है, इसलिए हमें इसको यहाँ पे इनेबल कर देना है। कैपिटल गुड्स भी रख सकते हो इसको, अभी मैं इसको नोट एप्लीकेबल करके टैक्सेबल स्लैब और 18% इसको कर दिया इनेबल। और ये गुड्स है, ये मैंने इसको सेव कर दिया। डिस्क्रिप्शन में अगर मैं डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, ऑफिस टेबल मेरा है 6000 का एंड ऑफिस चेयर है 12000 की, सॉरी 1200 की, एंड वेटिंग चेयर जो है वो है 7000 रुपये की, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज़ करना तो अगेन ऑल्ट सी प्रेस, बहुत ही अच्छी शॉर्टकट कीज हैं ये, कैलकुलेटर की शॉर्टकट की है ऑल्ट सी। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ गया CGST एंड SGST। देखो जी ये सिलेक्ट हो गया हमारा, ऑल्ट ए है टैक्स एनालिसिस के लिए, यहाँ पे फंक्शन होता है टैक्स एनालिसिस, मैं टैक्स एनालाइज करके आपको दिखाता हूँ। ऑल्ट F1 फॉर डिटेल, ये मैंने फर्नीचर खरीदा जिसके ऊपर मेरा ये टैक्स लगा, और ये मेरा ITC के लिए मिलेगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 3B के अंदर सारी चीज़ें मेंशन होंगी, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। अब हमारे इस ट्रांजेक्शन से क्या हमें पता लगा कि फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ITC कैसे क्लेम करते हैं। अभी ये 3B के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ITC कैसे वहाँ पे मेंशन होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमने एक्सपेंस किया, एक कंप्यूटर खरीदा है और इसके ऊपर अब हमने कैश में कंप्यूटर खरीदा है, तो भैया इसमें कैसे डील करें। तो क्योंकि हमने परचेज करा है, तारीख है 8/4/2018, तो उसको अपने सुझाव देते रहना। अगर वीडियो कहीं गलत हो या कुछ प्रॉब्लम आपको लगती हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप सुझाव देंगे। तो इनवॉइस नंबर है 62, पार्टी का नेम है सैगल कंप्यूटर, अगेन क्रेडिटर है भैया लेनदार है, आगरे का ही है, और इसका जिस्ट नंबर 09CYPG9454F2Z2। अभी ट्रांजेक्शन हमारा कैश में हुआ है, पर चूँकि हमने टैक्स इनवॉइस लिया है तो सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट आर सप्लायर लेजर, हमने जिससे माल खरीदा उसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्ट सी कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट्स अगेन एप्लीकेबल यस, और स्लैब एस का 28%। पर यहाँ पे अगर आप नॉट एप्लीकेबल कर दोगे भाइयों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 28% ये यहाँ पे जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे इसको परचेस टैक्सेबल कोई, अगर मैं किसी अनरजिस्टर्ड से खरीद रहा हूँ या मैं रजिस्टर्ड से खरीद रहा हूँ, तो अधिकतर आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही करना है। जो फंक्शन मैंने इनेबल कर रखा है वैसे मूवमेंट ऑफ होता है, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया तो आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। गुड्स खरीदा, कंट्रोल ए सेव हो गया, एंड ये क्या है इंक्लूज ऑफ टैक्सेस है 2500 टैक्स मिला के है। देखिए दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लो, परचेज अ कंप्यूटर इन कैश ₹22500 इंक्लूज ऑफ टैक्सेस, 2500 के अंदर ही 28% टैक्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ऑल्ट सी कैलकुलेटर के लिए करना है 2500 अपॉन 1.28, ठीक है। लेजर सेलेक्ट करना है CGST, सब कुछ टैक्स अपने आप ले रहा है, आपको कुछ भी फीड करने की जरूरत नहीं है मैनुअली, सारा कुछ ऑटोमेटिकली वे में अपने आप लेगा। 2500 अपने आप आ गया, एक पैसा और आ गया साथ में, तो हमने राउंड ऑफ का एक लेजर क्रिएट कर देना है यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। यहाँ पे हमने GST को एप्लीकेबल नहीं करना है,
और -0.01। देखा अब 2500 के अंदर ही हमारा टैक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये भी हमने यहाँ पे सीख लिया। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है दोस्तों, एक्सपीरियंस से आती है ऐसी वीडियो, तो आप ज़रूर देखिएगा। ये हमने ये भी फिट कर दिया। ओके सो हमारी चारों इक्वेशन हुए, जिसमें हमने ये देखा कि मल्टीपल टैक्स परचेज कैसे करते हैं, मल्टीपल टैक्स के साथ सेल इनवॉइस कैसे इशू करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स पे कैसे ITC क्लेम करते हैं, और सॉरी ये ट्रांजेक्शन कैश में था तो हम एक पेमेंट की एंट्री और पास कर देंगे साथ में, जिसमें सैगल कंप्यूटर को डेबिट करेंगे 2500 से। अगेंस्ट बिल नंबर आ गया, बहुत ही अच्छा वीडियो था इसके लिए, बिल वाइज डिटेल के लिए अगेंस्ट बिल नंबर आया था जिसके अंदर, ठीक है। कैश सेलेक्ट करा और ये वीडियो मेरी ट्रांजेक्शन सेव हो गया, ठीक है। अब हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉक, हमारा स्टॉक देखिए कितना बेहतरीन क्रिएट हुआ है। LG ऑल टाइप वन डिटेल के लिए कर सकते हैं, LG के रैफ है मेरे पास, दो दो पीस बचे हैं, LG की LED बची है दो पीस, सैमसंग की एक LED बची है, सैमसंग के दो रैफ बने हैं। देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन स्टॉक यहाँ पर तैयार हुआ है, जिसमें कि हम सारा कुछ दे सकते हैं ऑल टाइप वन करके, इसलिए ग्रुप बनाने का फ़ायदा होता है, बहुत ही फिल्ट्रेशन अच्छा हो जाता है ग्रुप बनाना, आइटम बनाना। इसके लिए आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, आइटम के अंदर टैक्स को कैसे लगाते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आ गई हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्प्ले के अंदर आके स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर GST 3B के हमारी ITC यहाँ पे मेंशन हो रही है या नहीं। तो देखो दोस्तों एलिजिबल ITC के अंदर, ये थोड़ा सा टैक्सेशन का पार्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, पर जो ऑलरेडी अकाउंटेंट है वर्किंग करें उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है कि फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ITC कैसे क्लेम करें और एक्सपेंस के ऊपर ITC कैसे क्लेम करें। ये देखिए एलिजिबल ITC के अंदर हम अगर एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे राज फर्नीचर और सैगल कंप्यूटर इन दोनों की ITC यहाँ पे मेंशन हो रही है, बजाज से हमारी IGST 3 यहाँ पे मेंशन हो रही है, सारा कुछ मेंशन हो रहा है जो हमने इनवॉइस काटा था। ये देखिए ऊपर आउटवर्ड सप्लाई के अंदर हम इनवॉइस देख सकते हैं, सजल को काटा था, इसके ऊपर हमारी टैक्स की लायबिलिटी ये बन रही है, सारा कुछ एक ही वीडियो के अंदर कवर हो गया है। बहुत ही अच्छा वीडियो था दोस्तों, और जो हमने अपने कंटेंट लिए थे वो हमारे ये थे कि हाउ टू एनेबल GST डिटेल, वो हमने सीख लिया, हाउ टू क्रिएट आइटम ग्रुप्स ये भी हमने सीख लिए, हाउ टू एंटर GST परचेस ये भी हमने सीख लिया, हाउ टू एंटर मल्टीपल टैक्स नोइस ये भी सीख लिया, हाउ टू एंटर GST एक्सपेंस ये भी सीख लिया, हाउ टू एंटर फिक्स्ड एसेट्स ये भी सीख लिया, हाउ टू इशू टैक्स नोइस ये भी सीख लिया, साथ में ये भी सीखा कि GST R 3B को कैसे देखा जाता है, और साथ में ये भी सीखा कि फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ITC कैसे क्लेम किया जाती है, आइटम कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट किए जाते हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वीडियो था, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आगे वीडियो बनाने का मन करेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस के अपडेट मिलते रहें आने वाले समय में, और हमारी सारी वीडियो प्रैक्टिकल होती है, आने वाले समय में हम और प्रैक्टिकल वीडियोस ला रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अपने अकाउंटिंग के फील्ड में जो बिजनेसमैन है वो भी देख सकते हैं वीडियो को, जो नॉन कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी पीछे कुछ वीडियोस बनाए हैं, बेस जो अकाउंटिंग क्या होती है, लेजर ट्रायल बैलेंस, इन सबको लेके मैं बना चुका हूँ, तो आप वीडियोस में जा सकते हैं, और मैं अपना मोबाइल नंबर भी इसके अंदर मेंशन कर रहा हूँ, सो दैट आप उसमें भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट भी है GLCSAgra.com, जिस पे कि सारे चैप्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पढ़ाई मिलेगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए, आप लोग सपोर्ट देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।